मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पर देखिए कौन आया है, बिबू आ रखा है हमारे साथ ना। बिबू मैं चाय लेके आई इनके लिए, सो ये भी उठ चुके हैं। और बिबू देखो यहाँ पर आ रखा है। बाबा क्या कर रही, देखो क्या कर ले हो, वो देखो क्या कर ले हो, क्या कर ले हो, कुछ कर दो कर दो। नहीं कर चाय भी दे देगी, खेल लगा है ना बिबू, बिबू बहुत चारा है, बहुत प्यारी इनका हमें कुछ भी तो खेल लगता है। यहाँ को देखो बीबू, बीबू देखो यहाँ पर मछलियों को देखिए खुश हो रहा है बीबू। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। यहाँ पर देखिए हमारे घर में कितने अच्छे फूल लगे हैं। क्या बिबू, क्या बिबू, क्या है बेटी, सी है तो यहाँ पर को मॉर्निंग की चाय है फ्रेंड, मैं चाय पी रही हूँ, मैंने चाय नहीं पी थी, वैसे सबने पी ली है, मैंने नहीं पी, इसमें गर्म कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए हम लोग का नाश्ता ही बन चुका है। सो पापा ने सुबह मॉर्निंग में रायता बना दिया था और पापा ने सब्जी बना रखी है, हरी सब्जी, तो मैं फटाफट से अब चाय पीने के बाद रोटी बना देती हूँ। हाय गाइस, टू माय न्यू व्लॉग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो अभी मैंने जस्ट अभी नहाई रखा है और मुझे भूख लग गई थी, तो मैं यहाँ पर थोड़े से काजू बादाम जो खा रही हूँ यहाँ पर को। सो चलते हैं भाई, मुझे छत में जाना है, छत में कपड़े सुखाने हैं, तो पहले हम छत में चलते हैं। सो मैं आ गई हूँ छत में, जा रही हूँ, और यहाँ देखो ये मैंने अपने हस्बैंड के जूते सुखाए थे, मेरे हस्बैंड यहाँ पर रखे गए हैं। सो मौसम देखिए फ्रेंड, देहरादून का बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा, क्योंकि बारिश हुई थी ना, तो उसकी वजह से बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। सॉरी, उजाले लगा रखे हैं, इनसे कहते हैं ना बिजली का बिल थोड़ा कम आता है करके, सो इसलिए हम लोगों ने लगा रखा, अभी से कनेक्शन हुआ नहीं है, आज के लिए लग रखा है ये। और देखो वहाँ सामने वालों ने भी लगा रखा है, सो इसलिए अभी लग रखा है ये। अभी इसके यहाँ पर ये फिटिंग विटिंग करनी है, अभी इनकी बाकी है, फिटिंग विटिंग हो जाएगी तब जाके ये यूज होंगे। और मैंने आप लोग को जो अपना घर भी नहीं दिखाया है, जो हम लोग का घर बन रहा था, सो ये देखिए अभी घर बनने में टाइम है, नीचे का बन गया, ऊपर भी लेंटर डल गया है, बनेगा। और मौसम है जो बहुत प्यारा हो रहा है आज। सो मैं आई थी छत में कपड़े सुखाने के लिए, सो चलते हैं अब नीचे फटाफट से। सो फ्रेंड, यहाँ पर शाम के बज रहे 5 और मैं भी सो के उठ रही हूँ, तो मुझे ना दोबारा से भूख लग गई है, पता नहीं क्यों आज का मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो यहाँ पर देखो कड़ी बनाई थी आज, तो यहाँ पर मैं कड़ी चावल खा रही हूँ, बीबू कह रहा मुझे भी खिलाओ करके। सो मिर्च हो रही, मैं ज़्यादा खिला नहीं रही, तो हल्का का मैं चूसे खिला दे रही थी उसे। कैसा वाला, कैसी होली, यहाँ दोबारा खाना खा दी। सो फ्रेंड, मैंने खाना खा लिया है, सो मम्मी का हो रहा हलवा खाने का मन, क्योंकि मौसम भी हो ही रहा है अच्छा सा, ठंडा मौसम हो रहा है, तो मम्मी के लिए थोड़ा हलवा बना दो। मैंने कहा ठीक है बनाती हूँ। सो मैं यहाँ पर खाना खाने के बाद आ गई हूँ, सो मैं यहाँ पर सूजी का हलवा बना रही हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है सूजी का हलवा, सभी को अच्छा लगता, सभी खा लेते हैं हम लोग के घर में। सो बस मैं फटाफट से हलवा बनाती हूँ। सो फ्रेंड, अभी हम लोग सो के उठे थे, हमने चाय ही पी ली है, और मैंने दोबारा खाना भी खा लिया, मुझे भूख लगी थी, सो मम्मी कह रही है हलवा बनाने की, तो यहाँ पर हम हलवा बना रहे हैं। तो गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मेरे हस्बैंड देखो मेरी हेल्प कर रहे हैं, अच्छे से गर्म। बहुत गर्म हो रहा है।
सो गाइस अभी हम बाहर बैठे और बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, इतनी गर्मी हुई ना पूछो मत। मैं तो अभी नहाने जा रही थी, सो अभी नहाती हूँ मैं। देखो पुंगू पुंगू के चाचा यहाँ पर शैतानी कर रहे हैं और हमारे कपड़े भी धुल गए आज। अभी हल्की हल्की आवाज़ तो चली रही है ऐसे, क्यों? बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैंने तो दोबारा नहा भी लिया है। पापा भी ऑफिस से आ चुके हैं और मैंगो भी लाए पापा, तो मैंने इनको खाली करके पेटी से निकाल के मैंने वॉश कर लिए थे अच्छे से। सो चिकन के लिए यहाँ पर प्याज भी कट चुका है हम लोग का। बीबू बीबू ले सो शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पर देखिए बच्चे खेल रहे हैं, मम्मी भी फ़ोन में बात कर रही है, बीबी को देखो कितनी ज़्यादा शैतानी कर रहा है। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर दूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए।